मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में मैं कुछ बच्चों के द्वारा पूछा गया है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में चाहे वो मार्कशीट हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो या अन्य कोई डॉक्यूमेंट हो, गलत नाम स्वयं का या पिता का या किसी और का है, जबकि आधार कार्ड वगैरह में सही नाम है। तो इसको सुधरवाने के लिए मैंने कई वीडियो अलग अलग बनाए हुए हैं। ये भी वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपको एक एफिडेविट बनाना होगा जो नोटरी से अटेस्ट कराना होगा। स्टैम्प पेपर लीजिए, वकील के माध्यम से ड्राफ्ट कराइए, नॉमिनल उसकी फीस रहती है और वो नोटराइज हुआ जो एफिडेविट है उसको पेपर पब्लिकेशन के लिए लोकल न्यूज़पेपर में, अगर सेंट्रल का मामला है तो भारत के राजपत्र में, स्टेट का मामला है तो राज्य के, जो भी राज्य है उसके ऑफिशियल गजट में इसे पब्लिश कराना होता है। नाम परिवर्तन की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में देना आवश्यक है जिसकी नॉमिनल फीस होती है, और उसके बाद गजट पब्लिकेशन के लिए आप उसे जमा कर देंगे। 10-15-20 दिन में आपका ऑफिशियल गजट में नाम आ जाएगा। इस तरह आप अपने नाम को, चाहे वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, आपका नाम, आपके पिता का नाम, पत्नी का नाम, पति का नाम, जिसका भी नाम आपको चेंज करना है, नाम परिवर्तन, कुछ लोग शौकिया भी अपना नाम बदलना चाहते हैं तो वो भी अपना नाम इस तरह से बदल सकते हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस तरह आप डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम परिवर्तन, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड ये मैंने वीडियो बनाया, चाहे वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, कोई अन्य सर्टिफिकेट हो, चाहे आपने लिखाया हो या गलती से ऐसा हो गया है तो उसको सुधार करा सकते हैं। और इसके तहत आप ऑफिशियल गजट में आपको छपवाना ही पड़ेगा, एफिडेविट कराना ही पड़ेगा, प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। किसी वकील की मदद ले लें तो आसानी से, सरलता से हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद। नमस्कार।